इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं स्थिति त्रिपाठी। देश के सबसे गरीब लोग जिन राज्यों में बसते हैं उनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान करीब 5 लाख प्रवासी जब छत्तीसगढ़ लौटे हैं तो इनके सामने रोजी रोटी का बड़ा संकट खड़ा हुआ है। इधर केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के हालात और प्रवासी मजदूरों को ध्यान में रखते हुए बीते दिनों बड़ा फैसला लेकर गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत की है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इस वक्त बेहद जरूरतमंद छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बड़े अभियान में शामिल नहीं किया है। हालांकि पहली बार नहीं है जब कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ के साथ केंद्र ने सौतेला व्यवहार किया है। इधर केंद्र की भेदभाव वाली नीतियों से परेशान कांग्रेस ने यह आरोप तक लगाया है कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ को भारत का भाग ही नहीं मान रही है। वैसे इस बीच बड़ा सवाल यह भी है कि छत्तीसगढ़ के साथ अगर छलावा हो रहा है तो फिर बीजेपी के प्रदेश से चुने गए 9 सांसद क्यों चुप हैं? सबसे बड़ा और गंभीर है, लिहाजा आज इस पर विस्तार से बात होगी। इसके साथ ही हम रुख करेंगे मध्य प्रदेश की ओर, जहां गुजरते वक्त के साथ 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का रोमांच जोर पकड़ रहा है। जहां चुनाव होने हैं उनमें 2 मौजूदा मंत्रियों की सीट भी शामिल है, और इसमें आज हम आपको उस सीट का हाल बताएंगे जहां से पूर्व विधायक गोविंद सिंह राजपूत शिवराज सरकार में मंत्री पद पर आसीन है। जी हां, आज बात होगी सागर जिले के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की, जहां गोविंद सिंह राजपूत की साख गांव पर है। इस सीट पर स्वराज एक्सप्रेस का सर्वे और पुराने आंकड़े क्या कहते हैं, बीजेपी और कांग्रेस में कौन किस पर ज्यादा भारी है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ करते हैं, जहां केंद्र पर प्रदेश के साथ छलावा करने का आरोप लगा है। तो केंद्र सरकार ने जिस गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है उसमें 6 राज्य के 116 जिलों का चयन किया है। ये वो जिले हैं जहां सबसे अधिक प्रवासी श्रमिक वापस आए हैं। इनमें बिहार के 32 जिले, उत्तर प्रदेश के 31 जिले, मध्य प्रदेश के 24, राजस्थान के 22 जिले, उड़ीसा के 4 और झारखंड के 3 जिले शामिल हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6 राज्यों में 116 जिलों के श्रमिकों को मनरेगा के तहत काम मिलेगा, जिसकी दैनिक मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दी गई है। इस योजना के तहत श्रमिकों को 125 दिनों तक के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। कोरोना काल में मोदी सरकार का ये बड़ा अभियान है जिसमें छत्तीसगढ़ का एक भी जिला शामिल नहीं है। क्या इसके पीछे की वजह राजनीति है या फिर कारण कोई और है? इनका जवाब जानने के लिए चर्चा शुरू करें। आइए पहले देखते हैं छोटी सी रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने बाहर से अपने प्रदेश लौटे मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है, लेकिन 50,000 करोड़ के बजट वाले इस अभियान में छत्तीसगढ़ का एक भी जिला शामिल नहीं है। ऐसा तब है जब छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल है जहां से बड़ी संख्या में मजदूर दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए जाते हैं। इसके साथ ही आदिवासी बाहुल छत्तीसगढ़ की करीब 50% आबादी भी गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। बावजूद इसके प्रदेश का कोई भी जिला केंद्र सरकार के बड़े अभियान में शामिल नहीं है। भूपेश सरकार में मंत्री रविंद्र चौबे ने इसे लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ये तक कह दिया है कि शायद केंद्र ये भूल गया है कि छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का हिस्सा है। हालांकि दूसरी ओर बीजेपी राजस्थान का हवाला देकर कांग्रेस के इस आरोप को खारिज कर रही है। अभी गरीब कल्याण की योजना को उन्होंने लॉन्च किया और दुर्भाग्य है कि नक्शा में शायद वो भूल गए कि छत्तीसगढ़ भी हिंदुस्तान का कोई हिस्सा है। मैं समझता हूँ केंद्र सरकार को अपनी योजना पे पुनर्विचार करना चाहिए और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को उसमें शामिल किया जाना चाहिए। या छलावा करने की भावना से इस योजना को घोषित किया जाता तो राजस्थान को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता, झारखंड को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने केंद्र पर इस तरह के आरोप लगाए हैं।
कांग्रेस लगातार केंद्र पर उपेक्षा और भेदभाव का आरोप लगाती रही है। वहीं अब जब मोदी सरकार ने कोरोना काल में कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ की अनदेखी की है तो भूपेश सरकार आक्रामक हो गई है। खैर, मोदी सरकार की छत्तीसगढ़ को गरीब कल्याण रोजगार अभियान में शामिल नहीं करने की वजह राजनीतिक है या फिर कोई और, जनता अब इसका जवाब जानना चाहती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से रूपेश गुप्ता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के साथ छलावा हुआ या नहीं, इस पर बात करने के लिए रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता रमेश बल्यानी और बीजेपी प्रवक्ता सचिन उपासना जी। दोनों लोग स्वागत है। स्वराज एक्सप्रेस के छत्तीसगढ़ के संपादक मनोज सिंह बघेल भी हमारे साथ हैं और भोपाल स्टूडियो से मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी, आपका स्वागत है। उपासना जी, आपसे छोटा सा सवाल है। आप छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ ही सबसे बढ़िया नारा भी आप लोग देते रहे हैं, क्या आपको खुद नहीं लगता है क्या कि छत्तीसगढ़ को भी इसमें जोड़ना चाहिए था? छत्तीसगढ़ के जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बाहर गए थे आ गए हैं, उनको भूखों मरने की नौबत आएगी, तो इस योजना के तहत उनको नहीं जोड़ना चाहिए था? निश्चित रूप से हमको लगता है कि छत्तीसगढ़ के मजदूरों के साथ न्याय होना चाहिए जी। और जिस प्रकार से देश के अन्य राज्यों ने जब मजदूर अपने प्रदेश में लौटे तो उन मजदूरों के खाते में कहीं किसी राज्य ने 1,000, किसी ने 2,000, किसी ने 3,000 इस प्रकार की राशि जमा की, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार शायद अपने मजदूरों को भूल गई और इस कारण से उसने जो उनके अधिकार का पैसा है जो केंद्र सरकार ने क्वारंटाइन के नाम पर दिया, श्रम विभाग में जो 3,000 करोड़ रुपए जमा है, 300 करोड़ रुपए जमा है, उसमें से एक भी पैसा इस प्रदेश के उन मजदूरों के खाते में प्रारंभिक तौर पर भी नहीं डाला, न उनके लिए किसी प्रकार की व्यवस्था की, जबकि केंद्र सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर ठीक से चलाने के लिए पैसे दिए, सब प्रकार से उनके आने जाने के, उनके खाने के लिए व्यवस्था की। और जो आरोप लग रहा है ये निश्चित रूप से एक राजनीतिक प्रेरित आरोप है कि कोई सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सौतेला व्यवहार यदि केंद्र की सरकार करती तो निश्चित रूप से वो राजस्थान को शामिल नहीं करती, झारखंड को शामिल नहीं करती, जो दिगर राज्य है उन राज्यों में जिस प्रकार से उन राज्यों का चयन किया गया है, एक पैमाना बनाया गया कि जिन जिलों में ज्यादा संख्या है उन जिलों के मजदूरों के लिए और प्रथम चरण का है, इसलिए इस प्रकार से कहकर केवल केंद्र पर आरोप मार देना और अपने को नहीं देखना कि अपन ने इस मजदूरों के लिए क्या किया है, किस प्रकार से पेपर में खाना परोस के उनको जो है, किस प्रकार से क्वारंटाइन सेंटर में लगातार मौतें, देश का पहला राज्य है कि जहां क्वारंटाइन सेंटरों में लगातार मौतें हो रही हैं, तो ये सच्चिदानंद जी क्वारंटाइन सेंटर, सच्चिदानंद जी अन्याय किया जा रहा है। सच्चिदानंद जी क्वारंटाइन सेंटर में गड़बड़ी है कि इन्होंने खाना कागज में दिया, ये मुद्दा अलग है। मुद्दा यहाँ ये है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत छत्तीसगढ़ नहीं जुड़ा है। आपने कहा कि सब राज्यों ने 1,000, 2,000 इस तरह गरीब मजदूरों खाते में डाला, इन्होंने नहीं डाला। चलिए मैं भूपेश सरकार की पूरी गलती मानता हूं कि नहीं डाला उन्होंने, तो क्या भूपेश सरकार ने नहीं डाला तो केंद्र सरकार गरीबों का कल्याण ही नहीं चाहते? हाँ, तो नहीं तो छत्तीसगढ़ बने, फिर केंद्र सरकार भी नहीं चाह रही, नहीं चाह रहे, आप भी नहीं चाह रहे, आपके 9 सांसद भी नहीं चाह रहे। केंद्र सरकार ने एक पैमाना तय किया है, उस पैमाने के आधार पर जो बजट है उस बजट के अंतर्गत जितने लोग आते हैं उनको किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि छत्तीसगढ़ के साथ कोई अन्याय किया गया है। हो सकता है दूसरे चरण में जो है वो छत्तीसगढ़ को भी शामिल किया जाए। ये तो अन्याय भाई, सीधी सी बात है, भूपेश जी ने भी अन्याय कर दिया। चलिए अन्याय क्यों होगा, अन्याय आपने कह दिया, भूपेश सरकार तो लगातार अन्याय कर रही है। हाँ ठीक है, वो अन्याय कर रही है। हाथ में तो जो केंद्र का पैसा है वो पैसा उन तक नहीं पहुंच रहा, तो आप के पास क्यों नहीं पहुंच रहा है जो केंद्र का पैसा है? मतलब केंद्र ने आपको क्वारंटाइन के लिए पैसा दिया, केंद्र ने आपको सब प्रकार से मनरेगा के लिए पैसा दिया, केंद्र ने आपको सब प्रकार से उनके खाते में पैसा डालने के लिए जो पैसा शुरू से पड़ा हुआ उनके पास वो पैसा दिया हुआ है, आप आखिर उस पैसे का क्या कर रहे हैं ये तो बताइए। जो आप नहीं कर रहे हैं उसको तो बता नहीं रहे कि हमने ये कर रहे हैं, और सीधे सीधे केंद्र पर आरोप लगाते हैं। मतलब सीधे से ये माना जाए, बल्यानी जी उसका उत्तर दे देंगे, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि सीधे से ये माना जाए कि जो राज्य इकाई है बीजेपी की, उसने प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाकर या वहां तक आपके जो हैं उनको आपने संदेश दिया कि ये सही ढंग से पैसा नहीं खर्च कर रहे, इसलिए इनको पैसा न दिया जाए, इसलिए इस योजना में छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किया गया, भले मजदूर भूखे मर जाए।
प्रकार तो नहीं है। जो क्राइटेरिया मैंने कहा, क्राइटेरिया के अंतर्गत जिन राज्यों के जो जिले आए हैं उन जिलों को वो राशि दी गई है, इसमें कोई अन्याय की बात नहीं है। आखिर किसी योजना को प्रारंभ करने के लिए कोई क्राइटेरिया बनाना पड़ता है, उस क्राइटेरिया के अंतर्गत जो आप प्रारंभिक तौर पर बनाएंगे। आप यदि छत्तीसगढ़ सरकार भी कोई योजना बनाती है तो कुछ जिलों के लिए योजना पहले बनाती है, बाद में बाकी जिलों में उसको संचालित करती है, उसको बढ़ाती है दायरा उसका। लेकिन इसका आशय यह नहीं कि कुछ जिलों के साथ आप अन्याय कर दें। कुछ जिले पहले बन जाते हैं, कुछ जिले बाद में बनते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये एक बजट के हिसाब से आपको सरकारों को काम करना होता है और उस आधार पर कामें होती है। इसका मतलब ये नहीं माना जाना चाहिए कि कोई राजनीतिक उद्देश्य से या किसी प्रकार के दुर्भावना से किया गया है। जी बल्यानी जी, राजनीतिक उद्देश्य तो नहीं होना चाहिए। यहाँ जो हमको लगता है कुछ एक मानक होता है, कुछ अपने जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं कि किस जिले में कितने प्रवासी मजदूर आए, कितनी संख्या है और कितने मजदूर कब तक रह सकते हैं, नहीं बाहर जा सकते, सब कुछ एक फॉर्म होता होगा, एक क्राइटेरिया होता होगा जिसकी बकायदे सूचना देनी होती है। जैसे आप आरोप लगा रही कांग्रेस कि छत्तीसगढ़ को नहीं दिया, राजस्थान में आप ही की सरकार है, झारखंड में उनकी सरकार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के चलते जो आपने सूचना नहीं दी, और ये सूचना इसलिए नहीं दी कि वाहवाही लूटने के लिए कि हमारे यहाँ सब बहुत अच्छा चल रहा है, इस कारण ये इस योजना से बाहर हुआ छत्तीसगढ़, मुझे जो लगता है। आपका क्या तर्क है? बैरानी साहब, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। त्रिपाठी जी, जी मेरी मेरा सवाल सुना था क्या आपने? मेरा सवाल सुना था आपने? हाँ, फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जो जिस तरह से राजनीतिक आरोप लगाया जा रहा है, तो अगर राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं तो राजस्थान और झारखंड को भी मद्देनजर रख लीजिए। मुझे जो लगता है कि एक प्रशासनिक प्रक्रिया एक होती है कि आपको सूचना देनी होती है, एक क्राइटेरिया होता है तकनीकी कारणों को लेकर के कि इस कारण दिया जाए, वो सही ढंग से एक फॉर्म भी होता है। जैसे अगर कहीं मुआवजा वितरित होना है तो आप डोजियर जो कहते हैं, जिसको डोजियर अगर भेजा जाता है, तो वो जब गलत हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसके कारण केंद्र सरकार उसको रिजेक्ट कर देती है, ये आप जानते हैं अलग अलग उसमें। इसी तरह स्वच्छता अभियान के तहत एक क्राइटेरिया भरा जाता है कि क्या क्या है, तो ये गड़बड़ी कहीं ना कहीं से हुई है तकनीकी। इसके कारण मुझे नहीं लगता है कि जानबूझ करके छत्तीसगढ़ के राज्यों को छोड़ा गया है। नहीं त्रिपाठी जी, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। जी दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहां के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रॉन्ग फीडिंग दी है, क्योंकि यहां के बीजेपी के नेता बहुत परेशान है भूपेश बघेल जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर। अच्छा, और आप देख रहे हैं लगातार दो महीने से भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग एक भ्रम और झूठ का वातावरण फैलाते चले जा रहे हैं। जी कभी बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था यहां खत्म हो रही है, कभी कहते हैं कि कर्मचारियों को पैसा देने के लिए, वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, कभी कहते हैं 30% कटौती हो जाएगी। तो ये लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के लोग दुष्प्रचार चल रहे हैं, तो मुझे आश्चर्य है कि केंद्र सरकार भी इनके दुष्प्रचार के प्रभाव में क्यों आ गई। जी नरेंद्र मोदी जी को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सीख लेनी चाहिए, इतिहास से सबक लेना चाहिए। इतिहास सबक सीखने के लिए होता, सिखाने के लिए नहीं होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में सभी राज्यों को समान दृष्टि से बजट का अलॉटमेंट होता था। जी और आज इस महामारी के दौर में प्रवासी श्रमिकों को जब आपने 6 राज्यों में दिया है, तो उस उन 6 राज्यों के 3 राज्यों के बीच में तो छत्तीसगढ़ है। जी एक तरफ उड़ीसा है, एक तरफ झारखंड है। जी तो आप एक तरफ मध्य प्रदेश है। जी तो 3 राज्यों के बीच छत्तीसगढ़ को आप कैसे मिस कर सकते हैं, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। नहीं, वही तो मेरा सवाल है आपसे। प्रवासी श्रमिक जानकारी जो देखिए, मुंह जबानी जानकारी देना अलग चीज है, बकायदे इसकी एक प्रक्रिया होती है कागज में, उसके थ्रू जानकारी जो दी जाती है उसके तहत मुझे लगता है अलॉटमेंट होता है। मध्य प्रदेश और बिहार आप भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा मजदूर बाहर बंबई है, बंगलौर है, कलकत्ता है, सब ज्यादा मजदूरी के लिए जाते हैं, छत्तीसगढ़ से भी जाते हैं। लेकिन शुरुआत में ये जानकारी सही नहीं दी गई होगी, मुझे लगता है इस कारण ये हो रहा है। त्रिपाठी जी, रेलवे बोर्ड को सभी राज्यों ने अपने प्रवासी श्रमिकों को लिस्ट दी थी।
उस लिस्ट के आधार पर प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रेनों का इंतजाम किया गया जी। यहाँ से बाकायदा हर जिले के प्रवासी श्रमिकों की लिस्टिंग की गई है जी। तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि छत्तीसगढ़ की सरकार के अधिकारियों ने उन लिस्टों के बारे में जानकारी ना दी हो जी। तो हमारे पास तो लिस्ट तैयार थी कि किस राज्य से कितने श्रमिक आ रहे हैं और किस जिले में जाएंगे जी। तो हमारे पास तो किस किस जिले में पहुंचाया गया है वो लिस्ट तक अपडेट है। तो ये कहने की बात ही नहीं है। दरअसल मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता को देखते हुए इस तरह का जो भेदभावपूर्ण काम किया गया है ये छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के साथ अन्याय किया गया है। मतलब आपका कहना है कि 80% लोग कारण क्या नजर 3/4 बहुमत आपको मिला छत्तीसगढ़ में, इस कारण मोदी जी ने छोड़ी दिया छत्तीसगढ़ में, हमारी सरकार कभी नहीं आएगी, इस कारण ये कारण हो सकता है? निश्चित रूप से यही कारण है। और फिर बढ़ती हुई लोकप्रियता, हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों का जो सर्वे हुआ उसमें 2 नंबर पे मुख्यमंत्री का स्थान मिला जी। तो उससे भी कहीं ना कहीं केंद्र को अड़चन हो तो वो जाने, लेकिन आज के महामारी के दौर में देश के मुखिया को किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक तरफ आप जी। खासकर छत्तीसगढ़ आदिवासी त्रिपाठी जी, जी आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं जी, गरीब गुरबा लोग हैं, उनके साथ आप अन्याय कर रहे हो। और दूसरी तरफ आप लोगों ने कोरोना काल के पहले हिंदुस्तान के जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनका 1,46,000 करोड़ रुपया कॉर्पोरेट टैक्स माफ कर दिया, 1,46,000 करोड़ रुपया। और प्रवासी श्रमिकों के लिए आप दे रहे हैं मात्र 50,000 करोड़ रुपया महामारी के दौर में। इससे बड़ा क्रूर मजाक क्या हो सकता है गरीबों के साथ में? यानी गरीबों के प्रति और अमीरों के प्रति इनका जो नजरिया है वो इसी से स्पष्ट हो जाता है जी। अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार हूँ, आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं छोटा सा जी। वरलियानी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 6 राज्यों के 116 जिलों को शामिल किया गया इस योजना में और छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया गया, तो क्या राज्य की कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए कोई पत्र व्यवहार, कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन करने जा रही है जिसकी वजह से आपको छत्तीसगढ़ को भी इसमें शामिल किया जा सके, ऐसे कोई प्रयास करने जा रही है? ये बहुत अच्छा सवाल है। आज ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा है और उस पत्र के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं जी। कि आप यहाँ 5 लाख प्रवासी श्रमिक आए हैं और छत्तीसगढ़ मनरेगा के माध्यम से श्रमिकों को काम देने के मामले में 1 नंबर पर पाया गया है केंद्र के सर्वे में जी। तो आप प्रवासी श्रमिकों को यहाँ पर क्यों मिस कर रहे हैं जी? उनसे मांग की गई है प्रधानमंत्री जी से जी। कि यहाँ के प्रवासी श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए जो गरीब कल्याण योजना में इसको भी शामिल किया जाए जी। बल्याणी जी, हमारे साथ आप अन्याय करते, मैंने इतने सवाल किए, आपने किसी ने नहीं कहा बहुत अच्छा सवाल है। अग्निहोत्री ने कह दिया तो आपने कह दिया बहुत अच्छा सवाल है, हालांकि वो आपकी मुफीद सवाल था इस कारण आपने किया जी। मनोज जी, क्या लगता है आपको, जैसा मैं इसके पहले जो इतने दिनों तक थोड़ा बहुत पत्रकारिता के बारे में जानता हूं, जैसे आपने भी देखा होगा स्वच्छ शहर कौन होता, उसमें कुछ एक फार्म भरे जाते हैं, सबसे गंदा शहर कौन उसके एक फार्म भरे जाते हैं, कलेक्टर के थ्रू उसको भेजा जाता है, उसके बाद ये आकलन होता है। इसी तरह जहां बहुत ज्यादा ओला पड़ता है या प्राकृतिक मार पड़ती है तो उसका बकायदे एक सर्वे होता है, उसका डोजियर बनता है, डोजियर जाता है, उसके आधार पर केंद्र सरकार मुआवजा तय करती है। मुझे लगता है कि यहां भी श्रमिकों की जो संख्या है उस संख्या के आधार पर सही आंकड़ा नहीं पहुंचा होगा, या पहुंचा भी होगा, अगर पहुंचा है नहीं दिया है तो फिर जो बल्याणी जी ने कहा है कि 3/4 वहां की जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया है, इस कारण छत्तीसगढ़ भारत के नक्शे से बाहर है। सर बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि पड़ोस के सभी राज्यों को इस योजना में शामिल किया गया और केवल छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया गया है। यदि राजनीतिक कारण की बात करें तो जैसा कि आपने बताया राजस्थान में जो है कांग्रेस की सरकार है, झारखंड में भी गैर भाजपा सरकार है, तो इसके आधार पर ये तो बिल्कुल सिरे से खारिज हो जाता है कि किसी राजनीतिक कारण से छत्तीसगढ़ को अलग किया होगा। लेकिन जरूर तकनीकी कारण एक समझ में आता है कि जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि जो यहां से फीडबैक जाना चाहिए वो शायद प्रॉपर नहीं है, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने जो पत्र लिखा है केंद्र सरकार प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है उसमें साफ तौर पर पूरा फिगर उन्होंने बताया है कि
पांच लाख प्रवासी श्रमिक जो है वो अलग अलग राज्यों में रह रहे थे और वो वहां पर लंबे समय से काम कर रहे थे, वो सब वापस आ गए हैं और उनको सेटल करना राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। और जिस तरह से आप मिशन मोड में 116 जिलों को शामिल करके काम करना चाहते हैं, 125 दिनों का रोजगार उनको देना चाहते हैं, तो हमारे श्रमिक इससे वंचित क्यों हो रहे हैं जी? तो कारण बिल्कुल समझ से परे है कि आखिर कारण क्या है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां मध्य प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, यूपी, बिहार, लगभग उसी तरह की परिस्थितियां यहां भी है। यहां के भी जो श्रमिक हैं वो भी दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। बल्कि क्षेत्रफल के हिसाब से, मनोज, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आबादी और मजदूरों की संख्या का आकलन किया जाए तो हमें लगता है छत्तीसगढ़ के मजदूर सबसे ज्यादा है। क्षेत्रफल और जिलों के अनुसार छत्तीसगढ़ के मजदूर सबसे ज्यादा होंगे, बिहार को अगर छोड़ दे तो। निश्चित तौर पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था सराज, उसमें ये बताया जा रहा था कि अलग अलग राज्यों के मजदूरों के फिगर उसमें बताए जा रहे थे। तो मेरी जो जानकारी है उसमें मुख्यमंत्री से कुछ दिन पहले हमने साक्षात्कार भी किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि करीब करीब 5 लाख श्रमिक जो है वो दूसरे राज्यों से वापस छत्तीसगढ़ लाए गए हैं इस लॉकडाउन के दौरान। तो निश्चित तौर पर फिगर वाइज भी सबसे ज्यादा श्रमिक जो है यहाँ लौट कर आए हैं। इसके बाद भी यहाँ पर जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसमें छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले को न ले पाना, इसके पीछे मुझे तो कम से कम यही लगता है कि कोई न कोई तकनीकी कारण ही है और इसका जवाब केंद्र सरकार ही सही तरीके से दे पाएगी। चलिए एक बार फिर हम बल्याणी से बाद में बात करेंगे। सच्चिदानंद जी, देखिए कहीं न कहीं चूक हो गई, मान लीजिए भूपेश सरकार ने चूक कर दी, बल्याणी जी ने बहुत बड़ी चूक कर दी, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आपके 9 सांसद जिता के दिए हैं छत्तीसगढ़ में, मोदी जी की सरकार बनवाने में उसका भी योगदान रहा है, तो आपके ये 9 सांसद क्या पत्र लिखेंगे प्रधानमंत्री जी को कि छत्तीसगढ़ के जिलों को शामिल किया जाए? 5 लाख का आंकड़ा कम नहीं होता है, कम से कम 2-4 जिले तो ले लेते। और ये भी फैक्ट है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, आबादी, बिहार की आबादी, उसके अनुसार अगर 5 लाख छत्तीसगढ़ की आबादी के अनुसार मजदूर जाते हैं तो अगर एवरेज निकालेंगे तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ का ही एवरेज होगा। तो ऐसी स्थिति में आपके सांसद क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, जाएंगे? तो जी सरकार अभी तक जो संख्या बताती रही है 2.5 लाख संख्या बताती रही है, जितना बारों में नहीं मैं आपको बता दूं, मैं आप बता दूं, हो सकता बल्याणी जहां तक सांसदों, उपासना जी एक मिनट बल्याणी जहां तक सांसदों की बात है, उपासना जी एक मिनट आपने 2.5 लाख कहा, इसलिए आपने 2.5 लाख कहा, इसलिए ये 2.5 लाख वो है, हालांकि बल्याणी जी उसको ज्यादा नहीं कहा, ये 2.5 लाख इनका आंकड़ा हमेशा आ रहा था। जी आ रहा है, उसी को मैं परिभाषित कर रहा हूँ, उसी को मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। 2.5 से 3 लाख वो मजदूर हैं जो हर साल मजदूरी करने जाते हैं और वापस आ जाते हैं, इसमें बाकी मजदूर वो हैं जो लंबे समय से छत्तीसगढ़ में उनका गांव घर सब है लेकिन छत्तीसगढ़ लौट के नहीं आते हैं 4-4, 6-6 साल, वो मिला के है 5 लाख, जो मेरा है हाल, बल्याणी ज्यादा बेहतर बताएंगे, उस पर हम आपको बता रहे हैं जी। हाँ, अब हम तो योजना तो उन मजदूरों के लिए है जो अभी तत्काल आए हुए हैं बाहर से, जिनकी आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ाई, जो 2.5 लाख ये बताते रहे कि 2.5 लाख वापस आने वाले हैं, शुरू से 2.5 लाख की संख्या देते रहे हैं जी, तो वो उस मजदूरों को ही गिना गया है जो इस योजना में, मैंने जहां तक इस योजना को पढ़ा है। दूसरा बात, ये जो तकनीकी कारण तो हो सकते हैं इन्होंने किया है, केंद्र ने जो पूरे देश पूरे राष्ट्र के लिए योजना लागू की, स्वास्थ्य योजना जी, आप देखेंगे कि स्वास्थ्य योजना का लाभ जो गरीबों को 5 लाख रुपए मिलना चाहिए था, उससे आज भी यहाँ का गरीब वंचित है, आज भी अपने जेब से पैसा दे रहा है, इनके राशन कार्ड की योजना भी पूरी तरह से फेल है, तो आप उस केंद्र सरकार की उस योजना का लाभ अभी तक गरीबों को नहीं दे रहे हैं। दूसरा, आपने किसान न्याय योजना के बारे में प्रारंभ से ही किसानों की सूची नहीं भेजी, आज तक इस प्रदेश के अनेक किसान ऐसे हैं, हजारों किसान जिनके खाते में वो 6000 किसान न्याय योजना से वंचित है, तो आप तो अपने प्रदेश के जो केंद्र की योजनाएं है उसको आप जो है अंगीकार नहीं करते हैं, जब जब केंद्र योजना लागू करती है उसको आप अपने यहाँ दूसरी योजना के रूप में प्रस्तुत करके उसको भी नहीं उपयोग होने देते हैं, उसका भी लाभ भी मिलने देते हैं। जहां तक रेलवे की बात कर रहे थे, रेलवे में भी इन्होंने उसी प्रकार किया तकनीकी रूप से, योजना भी यह था कि आपको उस प्रदेश से जहां पर आपके मजदूर हैं उनसे आपको पत्र व्यवहार करना था, उनसे आपको बातचीत करनी थी और उसके आधार पर आपको वहां से व्यवस्थाएं करनी थी, उसमें भी आपने चुप की, बाद में आपने पत्र लिखा,
बाद में अपने वो फॉर्मेलिटी की और पूरा दोष जो है केंद्र की सरकार पर आप मरते रहे। आप तो सत्ता के मद में इतने चूर हैं कि आपको जो है केवल अपनी पीठ थपथपाना और ये प्रवक्ता उनके गुणगान गाना, इसके अलावा तो इनके पास कोई काम है नहीं। यदि वास्तव में गुणगान गाना छोड़कर इस धरातल पर काम करेंगे तो मैं मानता हूं कि इनको जो आप कह रहे हैं कि भाई हम आरोप लगाते हैं, हम कोई आरोप नहीं लगाते। आप कर्मचारियों का खुद जिस प्रकार से आपने निर्णय लिया तो हमने उसको उठाया, आपने वापस लिया बाद में, तो हम तो जो निर्णय आप करते हैं उसको उठाते हैं, तो आपको लगता है कि गलती हो गई तो आप वापस ले लेते हैं। तो लेकिन आप अन्याय लगातार कर रहे हैं, आप ट्रांसफर उद्योग में भी लगातार अन्याय कर रहे हैं, तो हम उस मामले को तो विपक्ष के नाते उठाएंगे, उसमें हमारी जलन क्यों होगी। हम तो आपके मामलों को उठाकर, जब हम 60 साल तक मामले उठाकर आपके भ्रष्टाचार के मामले उठाकर हम केंद्र में दो बार सत्ता में आ गए, इस प्रदेश में आपका गढ़ था उसको तोड़कर हम 15 साल सरकार में रह गए, तो हम ये लालच में नहीं है। हम आपकी कमियों को जो विपक्ष का काम दिया है, जनता के साथ अन्याय करोगे तो हम सवाल किया बोलेंगे, मीडिया में भी बोलेंगे, हमने प्रमाण बोलेंगे। और सांसदों की बात सांसद मैं बता रहा हूँ कि सांसदों को तो आप कोई जवाब देते नहीं है, सांसदों को कभी बुलाते नहीं है, सांसदों से कभी बात करते नहीं है, आप सब प्रकार से केवल अपनी अपनी ढपली अलग बजा रहे हैं, तो आप उन सांसदों को मानते ही नहीं है कि इस प्रदेश की बात में जवाब नहीं देते जी, वो तो अपने सिरे से वो कर रहे हैं। चलिए ये नहीं बुलाते हैं तो सांसदों को जनता ने चुना है, सांसदों को कि भाई ऐसी स्थिति है, सांसदों को तो जनता ने चुना है, ये नहीं बुलाते इनको एक तरफ होते हैं। जब तक आप सांसदों को प्रशासनिक आंकड़े नहीं बताएंगे, आप 2.5 लाख का आंकड़ा बताते रहेंगे और बाद में कहेंगे 5-5.5 लाख हो गए, तो कौन मानेगा इसको आपकी बात को जी। चलिए 2.5 लाख के लिए लिख दीजिए। उपासना जी आपने कहा आप आरोप नहीं लगाते, 2.5 लाख के लिए आप सहयोग लीजिए ना, जो नियम मैंने बताया कि आपको उस प्रक्रिया को तो पूरी करनी पड़ेगी। उस कैटेगरी में आपका प्रदेश सांसद जानते हैं कि सांसदों को मालूम है कि कैटेगरी में आपका प्रदेश नहीं आ रहा है, आपके जिले नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो नहीं बोलेंगे, क्यों नियम के विपरीत जाकर बोलेंगे। चलिए आपने कहा आप कोई आरोप नहीं लगाते, आरोप तो सिर्फ बल्यानी जी लगाते हैं यानी कांग्रेस लगाती है। आप तो उस खुली किताब की तरह है बिल्कुल, जो सब कुछ कह भी दिया और बाद में बोला कि मैंने बोला भी नहीं कुछ जी। बल्यानी जी निश्चित ही नहीं, जब गलतियां करेंगे तो हम आरोप लगाएंगे, बोलेंगे जी। बल्यानी जी अब हम इसमें कोई आपसे सवाल नहीं करेंगे। इनके खुद प्रदेश अध्यक्ष भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, इनके खुद प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं मुद्दा नीति और नियत का है, मुद्दा गरीबों का है, भ्रष्टाचार के आरोप इनके प्रदेश अध्यक्ष लगा रहे हैं। वो गरीबों के प्रति आपके मन में दर्द है कि नहीं है जी? आप उनके सांसदों को क्यों नहीं बुलाते भाई? हमारी योजना गरीबों के लिए है, आप उसको लागू करिए ना। किसान भी गरीब है, उसको 6,000 रुपए उसके खाते में आने दीजिए, 5 लाख रुपए तक करने दीजिए ना। आप भी जानता हूँ गरीब को 3 लाख रुपए बेचारे गरीब जो झाड़ू लगाने वाली अरे है उपासने साहब, उनका उत्तर आने दीजिए। देने पड़े आपके राशन कार्ड नहीं चला। अरे उपासने साहब थोड़ा सा सुनने का भी ऐसे तो आपने योजनाओं को ब्लॉक कर दिया है। सुनने का भी आपने इतनी देर तक नहीं, गरीबों की बात करते हैं तो मैं गरीबों का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अरे उपासने जी एक मिनट, जब इलाज हुआ 3 लाख रुपए खर्च हुआ। उपासने जी आपका राशन कार्ड नहीं चला, प्रधानमंत्री की योजना नहीं चली। उपासने जी आपने धारा प्रवाह आरोप लगा दिया, अब उनका उत्तर भी तो आने दीजिए जी। बल्यानी जी उपासने जी की बात मैं पूरी नहीं सुन पाया, लेकिन जो मूल मुद्दा ये है, उनका कहना है कि वो हर साल पलायन में जाते हैं वो लौटे हैं। सवाल वो नहीं है कितनी संख्या में पलायन में जाते हैं लौट के आते हैं, सवाल ये है कि आज महामारी के दौर में केंद्र सरकार के गलत प्रबंधन के चलते लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में वो श्रमिक अपने अपने राज्यों में जिस राज्यों में काम कर रहे थे वहां फंस गए जी। 2 महीने तक उनका जो जमा पूंजी थी खत्म हो गई जी। थके हारे अपना लाचारी और बेबसी में लौटे हैं जी। तो उन गरीब मजदूरों को जी आपके पार्टी में वो लाचारी और बेबसी में आया डर आपको चाहिए दिया, आपने 1,000 रुपए दिया तो उसमें राजनीति मत करिए। खातों में जमा कर रही है जो आप भारतीय जनता पार्टी के चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, नेता प्रतिपक्ष हो या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, या आए दिन कुछ बयानबाजी करते रहते हैं, तो इस बात में तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को लिखिए, आपके सांसद लिखे कि चार करोड़ क्यों छोड़ दिया गया है।
इसमें क्या राजनीति है? गरीब मजदूरों के साथ नहीं है। आपके मन में दर्द जो है वो गरीब मजदूरों के प्रति होना चाहिए। इस बात का जवाब दीजिए आप। बल्यानी जी, मैं बोल रहे हैं कि आप जो उनके नौ सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी जो नौ सांसद हैं उनसे आप मिलते क्यों नहीं है? सांसद तो मामला उठा ही रहे हैं, उन्होंने लिखा ही है। अरे नौ सांसद जो हैं उनसे मिला करिए आप। सांसदों ने लिखा ही है, मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखी है जी। भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति प्रतिबद्धता नहीं प्रकट करेंगे? उनको यहाँ की जनता से कोई लेना देना नहीं है, उनका दुख दर्द में इससे कोई मतलब नहीं है। अरे आप ही ने कहा कि हमने आप तीन चौथाई बहुमत लाए कि वो सरकार बना लेते, इतना लाना था कि आपकी आपकी आपके राज्य को दरकिनार कर दिया जाए। ये भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा विद्रूप रूप दिखाई दे रहा है मोदी जी के राज में। मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में ऐसा कभी हुआ नहीं है। छत्तीसगढ़ की सरकार है प्रति समान किसानों के साथ अन्याय कर रही है, भारतीय संविधान की मूल भावना है, श्रमिकों के साथ अन्याय कर रही है, बीमारों के साथ अन्याय कर रही है। अरे उनका अन्याय तो दिख रहा होगा आश्रय जी आपको, आपका अन्याय नहीं दिख रहा कि आप छत्तीसगढ़ में, मैं फिर आप एवरेज लगा लीजिएगा कि आबादी के अनुसार छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर है आबादी के अनुसार, आबादी के एवरेज में, और आपकी सरकार केंद्र में है और आप नियम का पालन करें ना, ये आपका अन्याय नहीं दिख रहा? नियम का पालन करें, नियम का पालन करें। जाए आप तो खुद कह रहे हैं कि तकनीकी कम छत्तीसगढ़ में तो आप तकनीकी महारे रेलवे के मामले में आप श्रमिक काम कर रहे हैं, इसके लिए केंद्र की सरकार ने प्रशंसा की। आप कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय किया, कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस की सरकार आपकी राजस्थान में नहीं है तो राजस्थान को दे दिया, राजस्थान में पूरी बहुमत में नहीं है इसलिए आपने दे दिया। उम्मीद है आपको कुछ आपको वहाँ मुख्यमंत्री आपके क्या कर रहे थे? अधिकारियों की बैठक रखेंगे, उसमें आपके अधिकारी क्या कर रहे थे? हमारे बाजू में एमपी है, हमारे बाजू में उड़ीसा है, हमारे बाजू में झारखंड है, उसको दे दिया। उसका पालन से क्या दुश्मनी थी? आपके बाजू वाले चालाक हैं, आपके बाजू वाले जनता के प्रति, आपके बाजू वाले जनता के प्रति उन्होंने निर्णय का पालन किया। रहेंगे आप जनता के प्रति काम जवाबदेही जो आपकी है, आपको अधिकार इसलिए दिया गया कि आप उनके लिए काम करें, इसलिए नहीं दिया गया कि बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन देकर राजीव न्याय योजना के नाम पर किसानों के साथ अन्याय करते हैं। काम करें, चलिए बोल चुका हूँ कि काम नहीं कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनता तो आपकी भी है, आपके नौ सांसद, मैं आपसे फिर सवाल कर रहा हूँ कि नौ सांसद क्या पत्र लिख करके या जा करके केंद्र में ये गुहार लगाएंगे कि छत्तीसगढ़ की जनता के साथ न्याय करिए, ये करेंगे क्या? ठीक है बल्यानी जी नहीं मिल रहे, मुख्यमंत्री जी नहीं मिल रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री करें, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बुलाए सांसदों को वर्तमान परिस्थिति से अवगत कराएं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर साहस ही नहीं है कि वो प्रधानमंत्री को लिख सके जी। कभी सम्मान दिया है? कभी सम्मान दिया? डॉक्टर रमन सिंह थे, बातचीत करिए, रुपया सांसदों ने जितना काम किया नहीं लिख पाए, कांग्रेस के विधायकों ने मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिख दिया है, लेकिन 2014 में मोदी ने क्या कहा था? चिट्ठी लिखने का साहस नहीं किया। हमारी इस दौर में जितना इस प्रदेश की जनता के लिए किया है, आप तो एक बार एम्स में झांकने भी नहीं गए। स्वास्थ्य मंत्री सांसद जाते रहे। चले मनोज जी, क्या लग रहा है आपको? कुछ हमें तो नहीं लगता इस योजना में कोई दूसरा चरण, जैसे उपासना जी बोल रहे हैं दूसरा चरण भी आएगा, या जैसा भूपेश जी ने अभी पत्र लिखा है तो निश्चित तौर पर अगर सही ढंग से पत्र पहुंचा होगा तो क्या लगता है आपको, होगा कुछ ऐसा या कुछ खलबली मची हुई है प्रशासनिक वर्ग में? देखिए सर, अभी जो प्रधानमंत्री ने जो गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की है उसमें इस बात का जिक्र नहीं है कि ये योजना की शुरुआत है और इसका बाद में विस्तार किया जाएगा। पूरी योजना जो बताई गई उस दिन, जिस दिन इसकी लॉन्चिंग हुई, उस दिन यही कहा गया कि 116 जिलों में 5 राज्यों के इस योजना को मिशन मोड पे चलाया जाएगा और 125 दिनों तक रोजगार दिलाया जाएगा और इसमें 50,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। इतनी ही बात का जिक्र इस योजना के बारे में किया गया, इसलिए फिलहाल लगता नहीं है कि इस योजना का और विस्तार होगा। हालांकि पूरा प्रेशर जो है दो दिनों से यहाँ की सरकार ने, केंद्र सरकार पे बनाए हुए, मुख्यमंत्री ने पत्र भी लिखा है और ये देखने वाली बात होगी कि इस पे केंद्र का क्या रुख आता है।
क्या वहाँ के सांसद जो जीते हैं 9 सांसद, ये प्रवासी मजदूर तो सब जिलों से हैं, उससे फर्क उनके पार्टी में फर्क नहीं पड़ेगा, सांसदों में फर्क नहीं पड़ेगा अगर नहीं मिला योजना का लाभ? तो फर्क तो बिल्कुल पड़ना चाहिए, क्योंकि जो है जब दूसरे राज्य के श्रमिक जो प्रवासी श्रमिक के रूप में वापस आए हैं और उनको लगातार 125 दिन तक रोजगार मिलेगा और उसमें 25 अलग अलग तरह के काम भी डिसाइड कर दिए गए हैं, और उनको यदि उनके थाली की चिंता यदि केंद्र सरकार ने की है तो तुलना तो जरूर होगी कि यहाँ के मजदूरों की थाली में वो चीजें नहीं आएंगी, तो निश्चित तौर पर इससे यहाँ के मजदूरों में निराशा आएगी। तो नूत्री जी, आपकी टिप्पणी इस पूरे मुद्दे पर जानना चाहेंगे? मुझे तो लगता है कि किन्हीं तकनीकी कारणों की वजह से छत्तीसगढ़ राज्य को गरीब कल्याण योजना से शामिल होने से जो है वो रह गई है, और यदि राज्य सरकार जो 9 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी कॉन्फिडेंस मिले, उनको भी भरोसा दिलाए कि भाई ये आंकड़े हैं, ये परिस्थितियां हैं और इसमें हमें आपकी भी पहल की जरूरत है, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि राजनीतिक सवाल केवल नहीं है कि वहां के छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया गया, सवाल गरीबों का है, सवाल उन मजदूरों का है जो दूसरे राज्यों में भूख और गरीबी का शिकार होकर के इस लॉकडाउन के पीरियड में कोरोना काल में अपने राज्यों को लौटे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनको भी सारे आंकड़े रखे जाए और सरकार को एकजुट होकर के इस बारे में पहल करना चाहिए और केंद्र शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहिए। मुझे लगता है कि यदि यह सब हुआ तो आगे चलकर के केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को भी इसका लाभ जो है जरूर देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बलियानी साहब आपका। हमें उम्मीद है कि आपका आपके मुख्यमंत्री जो पत्र लिखा है उस पर जरूर कुछ कार्रवाई होगी। उपासना जी, आप भी प्रयास करिए छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी के गरीब कल्याण रोजगार अभियान में छत्तीसगढ़ को निराशा हाथ लगी है। केंद्र के इस बड़े अभियान में देश के 116 जिले शामिल हैं, लेकिन उस छत्तीसगढ़ का कोई भी जिला नहीं है जहां की जनता ने लगातार 3 बार बीजेपी को सत्ता दिलाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 9 प्रत्याशियों को जिताकर सांसद बनाया और यही सांसद प्रधानमंत्री मोदी के अभियान में छत्तीसगढ़ की अनदेखी पर चुप है। हालांकि दूसरी ओर बीजेपी ने जो तर्क दिया है उससे भी किनारा नहीं किया जा सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान में सिर्फ उन्हीं राज्यों के जिलों को शामिल किया है जहां सबसे ज्यादा प्रवासी आए हैं। ऐसे में अब जब छत्तीसगढ़ का कोई जिला उस ढांचे में फिट नहीं बैठता है तो फिर अभियान को लेकर कांग्रेस का सवाल उठाना कितना जाए, ये देखना भी आम है।